हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पर आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि जब भी आप स्टडी करें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आए। आप जैसे ही हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, नीचे की तरफ आपको आना है, इग्नू बीकॉम न्यू में जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी की सारी यू नो वीडियोज जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जिनको पढ़ करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द एपीआर। एपीआर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ये तीन टॉपिक अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आएंगे। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो एनुअल परसेंटेज रेट, इसको अगर आप इस तरीके से समझो, इसका नाम तो जैसे आपको समझ में आ रहा है कि एनुअल, एनुअल मतलब साल भर का परसेंटेज रेट, जिस रेट पे आपको पैसे उधार में दिए जाते हैं, जिस रेट पे आपको पैसे बैंक वालों को चुकाने पड़ते हैं, उसको हम एनुअल परसेंटेज रेट के नाम से जानते हैं या फिर कहते हैं, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है। सो एन एनुअल परसेंटेज रेट इज द इंटरेस्ट रेट द बोरोवर हैज टू पे टू द लेंडर। तो जिसको जिसने पैसे आपको दिए हैं वो आपका लेंडर है, आप बोरोवर हो, आपने जितने पैसे उस व्यक्ति से लिए हैं उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट रेट होता है, इसे ही हम कहेंगे एनुअल परसेंटेज रेट। अब जो लेंडर है वो लेंडर देखो कोई बैंक हो सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। APR is also the annual rate of interest paid on investments without accounting for the compounding of the interest within that year. तो एक साल के भीतर बिना उसके compounding हुए जो interest rate के तहत आप interest pay करते हो अपने investments के ऊपर, है ना, उसको हम कहेंगे एक तरीके से APR, annual percentage rate, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको APR समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं acquisition के बारे में। acquisition के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, acquisition का मतलब होता है कि acquire करना, किसी कंपनी को एक्वायर कर लेना। ऐसी कोई कंपनी जो कि प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उसको अपने बिजनेस को चलाने में दिक्कत हो रही है, तो सामने वाली कंपनी आपकी कंपनी को अपने पूरी की पूरी कंपनी जो है बेच देती है। आप उस कंपनी को एक्वायर कर लेते हो, आप कुछ पैसे उनको देते हो और बोलते हो कि आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस ऑपरेशन जो है आप हमें बेच दीजिए, तो उसको हम कहेंगे एक्विजिशन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिलायंस एक्वायर्स फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल बिजनेस, ठीक है ना। सो व्हेन अ कंपनी परचेजेस मोस्ट और ऑल ऑफ द अनदर कंपनीज शेयर्स टू गेन कंट्रोल ऑफ द लैटर, इट इज टर्म्ड एज एक्विजिशन, है ना। तो जब कोई एक कंपनी परचेज कर लेती है दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स को ताकि उनका उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल जो है इस कंपनी का हो जाए, तो हम उसे कहेंगे एक्विजिशन। ऑल्दो द मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ लार्ज कंपनीज इज हर्ड ऑफन एज इट मेक्स न्यूज, इन रियलिटी मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑकर मोर रेगुलरली बिटवीन स्मॉल टू मीडियम साइज फर्म्स देन द लार्ज कंपनीज, है ना। तो ये जो मर्जर या फिर एक्विजिशन होता है, ये जो मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं उनके बीच में बड़ी कंपनीज के साथ में होता है। कभी भी बड़ी कंपनियां एक दूसरे कंपनी को नहीं खरीद पाती हैं क्योंकि उनका साइज जो है काफी बड़ा होता है, बहुत पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। तो जहाँ यहाँ पे जो स्मॉल मीडियम साइज की जो फर्म्स होती हैं वो एक तरीके से बिक जाती हैं बड़ी कंपनीज के सामने। जैसे फ्यूचर रिटेल का जो है कोई मुकाबला नहीं है रिलायंस के साथ, तो रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के बिजनेस को एक तरीके से खरीद लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्वायर फ्यूचर ग्रुप रिटेल बिजनेस, है ना, इन्होंने ये खरीद लिया। So the acquisition included Reliance taking over all debts, liabilities and retail stores and a majority stake in the consumer businesses, which an investment of about ₹27,513 crore involves merger of the five future groups listed entities including Future Retail, Future Lifestyle, Future Consumer, है ना, Future Consumer into Future Enterprises Limited आप बोल सकते हो, which currently houses the group's retail back end infrastructure, है ना। तो future retail का जो है total मिला करके पांच उसके अंदर में entities थी जो कि काम कर रही थी। तो future group का जो पूरा पूरा retail business का काम है उसको acquire कर लिया है Reliance Industries ने तकरीबन 27,513 crore rupees pay करके, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे acquisition, ठीक है ना। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि एफिलिएट मार्केटिंग है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉमन है अभी के टाइम पे, बहुत ही ज्यादा कॉमन है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करा है अपने क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए फिर एफिलिएट मार्केटिंग को मैं आपको पहले सीधी बातों में समझा देता हूँ कि सपोज रिलायंस मेरी कंपनी है, ठीक है ना, मेरी कंपनी में आप मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए मुझे जो है लोगों की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, मैं अलग अलग कंपनीज जो अलग अलग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं
उनसे हम कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए और जो भी आपका प्रोडक्ट आपके थ्रू जो भी सेल होगा उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है वो आपको हम एज ए रेमुनरेशन एज ए एनवलमेंट देंगे। तो उसे उसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, कि आप अपना एफिलिएशन किसी चीज के साथ करते हो और आप उस कंपनी के बिहाफ पे अपने प्रमोट करते हो उस कंपनी को प्रोडक्ट्स को और आखिर में जाकर के आपको जो है उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। राइट नाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स, है ना। तो सेल्स को अपना बढ़ाने का एक तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इन दिस स्ट्रेटजी अ कंपनी अलाउज टू एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट्स बाय वेबसाइट्स व्हिच आर ऑफन फ्रीक्वेंटेड बाय सेम कस्टमर्स नोन एज एफिलिएट्स, है ना। तो एफिलिएट्स में यहाँ पे जैसे कि यूट्यूबर्स हो गए या कोई ब्लॉगर हो गया, जो ब्लॉगर होता है जो बड़े बड़े जो ब्लॉग्स लिखते हैं जिनका ब्लॉग्स बहुत चलता है उनके साथ भी समटाइम्स एफिलिएशन किया जाता है कि आप अपने ब्लॉग्स में हमारे प्रोडक्ट की एक तरीके से थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए या थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहाँ पे ऐड हम चला सकें। तो इस तरह की चीजें जो है एफिलिएशन के माध्यम से करवाई जाती हैं और एफिलिएट मार्केटिंग हम इसे ही कहते हैं। इसके जरिए जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे पढ़ने के लिए वो आपके प्रोडक्ट को देखेंगे उसके बारे में समझेंगे तो हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। तो इस तरीके से सेल्स जो है वो बढ़ाई जाती है। इन लीव ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड थ्रू द वेबसाइट द ऑनलाइन एडवर्टाइजर रिसीव्स कमीशन फ्रॉम द कंपनी। यही मैं कह रहा था कि जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं उस वेबसाइट के थ्रू, चूंकि उस वेबसाइट के थ्रू वो ऑर्डर रिसीव हुए हैं तो जो बनता जिसका वेबसाइट है उसको उसके पास भी वो ट्रैक रखा हुआ है कि यहाँ से इतने इतने क्लिक्स जो है उसके ऊपर हुए हैं और लोगों ने इस चीज को खरीदा है। तो उसको जो भी खरीदेंगे उसका परसेंटेज जो है कमीशन जो है वो वेबसाइट वाला जो ब्लॉगर है वो भी उस कमीशन को रिसीव करेगा। दीज डेज वेरियस चैनल सच एज यूट्यूब डज एफिलिएट मार्केटिंग। जैसा कि मैंने आपको यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा हैं। एफिलिएट मार्केटिंग वो करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। द होल सिक्वेंस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग इज शोन इन द फिगर 14.2। तो इस फिगर को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है एफिलिएट मार्केटिंग की जा रही है। राइट तो ये स्टार्ट है आई गेस, यहाँ ये पूरा का पूरा सर्कल है जो कि चलते रहता है। योर वेबसाइट रिसीव्स इंटरेस्टेड यूजर्स इंटरेस्टेड, अच्छा एडवर्टाइज योर सेल एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सेल, फिर उसके बाद इंटरनेट यूजर्स इंटरैक्ट विथ योर एड्स, उसके बाद योर वेब्स रिसीव्स इंटरेस्टेड यूजर्स, आपका जो वेबसाइट है वो पता चलता है, कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदता है और फिर सेल करता है, और एफिलिएट्स पेड फॉर इंक्रीजिंग योर सेल्स ऑनलाइन और योर ऑनलाइन सेल्स, और एफिलिएट्स को फिर उसके बाद जाकर के जो है पैसे दिए जाते हैं क्योंकि उनके थ्रू जो है उनके प्रोडक्ट्स को बेचा गया है। एफिलिएट्स क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन विद बिजनेसेस लाइक योर्स, है ना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, यहाँ से ये पूरा का पूरा सर्कल जो है चल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक मॉन्स्टर इनसाइट्स में इस तरह का जो है एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा पिक्चर बनाया गया था, वहीं से जो है ये पिक्चर को लिया गया है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जहाँ पे मैंने आपको तीन टॉपिक्स के बारे में बताया। सबसे पहले तो APR एनुअल परसेंटेज रेट एक्विजिशन, और उसके बाद मैंने आपको बताया एफिलिएट मार्केटिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।